Joah? Papa, thank you so much. मेरे साथ चलने के लिए. It's okay, आदि, मैं हूँ तेरे साथ. लेकिन जो तूने किया है, गलत किया है, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी. एंडोमिनोस सब कुछ ठीक हो जाएगा. बहुत डर लग रहा है पापा, पता नहीं. आदि, गलती मान लेना, कोई बुरी बात नहीं है. तू माफी मांग रहा है ना, just make sure you don't repeat the same mistake again. आले से प्यार से बात कर, उसे समझाएंगे. सब कुछ ठीक हो जाएगा. You handle it. I'm sure. कहाँ जा रहे हो? मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने के बाद बाप के साथ बाहर घूमने जा रहे हो? तुम्हें इतनी सी भी फिक्र है कि आलिया कैसी है? उसे थप्पड़ क्यों मारा था? मनी, मनी घर चल के बात करते हैं प्लीज. नहीं, मुझे यही बात करनी है. मनी, सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है. तमाशा बनता है तो बनने दो. सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारा बेटा कैसा आदमी है. मेरी बेटी मुंबई से अकेले रोते हुए आई थी. शादी करते हुए तुमने बहुत वादे किए थे कि मैं उसे खुश रखूंगा, उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा. लेकिन शादी के बाद उसने सिर्फ दुख ही दुख सहे हैं. तुमने उसने हाथ क्यों उठाया? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम हाथ उठा सकते हो? हाँ मणि. हाँ, व्हाट? आपने आपने अप्पा को बता दिया कि आदिल मुझ पे हाथ उठाया? मम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आप जानते हैं ना अप्पा को, वो आदि को कभी माफ नहीं करेंगे. नहीं करें माँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उस घर में तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाता है. मैं तुम्हारा पति, हाउ कैन ही मैन हैंडल यू लाइक दिस? इशिता को बड़ा घमंड है ना अपनी परवरिश में. ये है उसकी परवरिश. मम्मा, जस्ट लीव इट. पर आप ये जानते ना अप्पा कैसे हैं. मुझे कुछ भी हो जाए वो सह नहीं पाते, वो पागल हो जाते हैं. अब उन्हें गुस्से में कुछ कर लिया तो. दिस इज जस्ट स्टॉप इट. मैं पता है तुम्हारी भलाई किस में. अति ने गलत किया है. मनी, तुम्हारे अप्पा आए, उनको पता होना इंपॉर्टेंट है. रमन, तुम से दूर रहो प्लीज. हमारे बीच की बात है ये. बताओ तुमने उसे थप्पड़ कैसे मारा? एक बीवी को मारने वाले पति को पता है क्या कहते हैं? पापा प्लीज, बहुत बोल लिया आप. आदि, इसका मतलब नहीं पापा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो कुछ भी आएगा आप बोलते जाएंगे. आपको मेरी गलती दिखी क्या? आपको आपकी बेटी की गलती दिखी? नहीं ना. आदि, घर चल के बात कर. क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि मेरा हाथ उस पर क्यों उठा? पूछा आपने? नहीं पूछा. अरे वो उसका दोस्त निखिल, वो वहां पे था. हनीमून पे कौन गया था? हम दोनों. लेकिन आपकी बेटी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, जबकि उसको अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. लेकिन नहीं, उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिलती थी. अब क्या बोलूं मैं? नहीं उठना चाहिए था मेरा हाथ. क्या करता आप, मैं बोलिए ना. निखिल और आलिया सिर्फ दोस्त है, मैं जानता हूँ. ओके, वो तो दिख रहा था मुंबई में कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त है. आलिया उसके साथ रह के ना ऐसा लगता था कि वो मुझे भूल ही गई है, मर गया हूँ मैं उसके लिए. अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो नहीं करनी चाहिए थी मुझसे शादी. क्योंकि बोलिए, जाके पूछिए ना अपनी बेटी से. मैं उसे क्यों पूछूं कुछ, उसे जानता हूं मैं. और अपनी गलती को छुपाने के लिए उस पे ये घटिया इल्जाम मत लगाओ. अरे पापा प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूं और ना अंधा हूं. सब दिखाई देता है मुझे. निखिल के सामने आती ना उसका कैसे बर्ताव चेंज हो गया था. अगर इतना ही चाहती है निखिल को तो उसी के साथ हनीमून पे जाना चाहिए था ना. पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सही नहीं हो रहा. काम ढूंढ लिया, सब सही हो रहा है. अब क्या किया? सब गड़बड़ हो गया. कुछ गड़बड़ नहीं हुई है. उसको जिंदा कर दो अगर तुम्हारा यहां दिखा दो. और अगली बार किसी औरत पे हाथ उठाया ना दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. क्या आदमी है, गुस्से में पागल हो रहा था, मारने की धमकी दे रहा था. अरे घर का मामला है, घर में सुलझाना चाहिए. इतना हंगामा करने की क्या जरूरत, और कोई मारने की धमकी थोड़ी देता है. हाँ?
बार कहा है आईडी सीधा रखा करो मस्ती खोर। दीदी आप प्लीज मुझे जिया का फ्रेंड बनने के लिए मत बोलना प्लीज, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसका दोस्त नहीं बनना। अच्छा इससे मेरी बात सुनो, क्या हो गया अब पीहू? रिया, रिया, ए, रिया? अब एक सेकंड, मुझे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब रिया क्या हो गया ऐसे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कल मैंने आपको रिया बेबी से मिलने दिया इसलिए मुझे पहले ही बहुत डांट पड़ी है। डांट? अरे ऐसा भी क्या हो गया था? देखिए मैं तो सिर्फ रिया की हेल्प करना चाहती हूँ, वो बहुत अकेली है, मैं उसके दोस्त बनाना चाहती हूँ। इस एज में ऐसा होना इट्स नॉट राइट, मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए आप इन सब बातों में इंटरफेयर मत कीजिए, ये मैडम का डिसीजन है। अरे मैं और अभी मुझे जाना है। एक्सक्यूज मी, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, कैसे ट्रीट करते होंगे रिया को? अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, मैं रिया को ऐसे नहीं देख सकती। नो नो, कल तक मुझे सारे के सारे असाइनमेंट्स चाहिए तुम्हारे। एंड आई डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस और आई हैव टू स्पीक टू योर पेरेंट्स। यस तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्योंकि तुम मेरे फोन कॉल्स, मेरे मैसेजेस किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूं? Isn't it evident कि अगर मैं तुम्हारे कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? Really? कितनी आसानी से तुमने बोल दिया ना। मैं पिछले एक महीने से तुमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बेंगलोर से दिल्ली आ गई और तुम? अरे मैंने सोचा कि हम अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर। There cannot be any possibilities, Kiran. Please. I'm sorry. I'm very sorry. ईशु बिल्कुल सही कहती है। I just cannot move on in my life just like that. मेरे दो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं और तो ईशु ने आपसे कह दिया और आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया। ईशु मुझसे क्यों कहेगी कि मैं तुमसे बात ना करूं? उसने तो खुद रमन को एक्सेप्ट किया है ना दो बड़े बच्चों के साथ। देखो किरण, ईशु का कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो भी औरत मेरी लाइफ में आएगी उसे सिर्फ मेरी बीवी बनकर नहीं बल्कि मेरे बच्चों की माँ बनकर भी आना होगा। मेरे बच्चे इस समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए सही माँ नहीं, एक अच्छी माँ नहीं बन सकती? मैं ये नहीं कहना चाह रहा था किरण। See, you are a very successful businesswoman. ये बहुत अच्छी बात है। In fact, as a batchmate, I'm proud of you. लेकिन इस समय तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारा पूरा अटेंशन चाहिए। Just try to understand me. Okay. तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस की वजह से अच्छी माँ नहीं बन सकती, है ना? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एक वर्किंग वुमन अच्छी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी अपनी दोस्त बंधु, वो अपने कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इतना वर्क प्रेशर होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छी माँ थी। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। She was not there. मेरे बच्चे बिन माँ के हो गए। Just try to understand, उन्हें एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। और मेरी फैमिली की प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि if in any case, if I move on, और मेरी लाइफ में जो भी औरत आए वो सिर्फ मेरी बीवी बनकर नहीं बल्कि मेरे बच्चों की माँ बनकर आए, उन्हें वैसे ही अपनाए जैसे उसके अपने बच्चे। Kiran, I'm sorry to say this, but बंधु की जगह लेना बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाए। मुश्किल है ना? तो ठीक है, मैं इस मुश्किल को देखना चाहती हूँ, कितना मुश्किल है ये। मैं इस चैलेंज को लेना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, क्या बोलना चाह रही हो, मुझे नहीं समझ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि आज शाम को तुम अपने बच्चों के लिए क्या करने वाले हो? नहीं, मैं शीतु को स्कूल से पिक करने वाला था। उसने कहा था कि वो आज स्कूल बस में नहीं आना चाहती। वांट टू बी पिक्ड। तो ठीक है, बस आज शाम को क्षितिजा और पीहू को मैं पिक करूंगी। मैं ये काम कर सकती हूँ बाला, ट्रस्ट मी। आर यू श्योर? 100% श्योर।
एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या पैकेजिंग यूनिट के लिए अभी? पर मिस्टर भल्ला कहाँ है इस समय? ओके, ठीक है, मैं तुम्हें एक मिनट में कॉल बैक करती हूँ। ओके किरण, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो, बच्चों को मैं पिक कर लूंगा, आई मैनेज, प्लीज। बाला, अगर वो मेरी अपनी बेटी होती तो क्या मैं उसे स्कूल में छोड़ देती? जाती ना पिक करने, तो मैं क्षितिजा को भी पिक करूंगी और मैं मेरे काम पे भी जाऊंगी। अगर मैं थोड़ा लेट पहुंची तो मेरा काम नहीं बंद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलो अभी मैं निकलती हूँ और तुम मुझे प्लीज स्कूल का एड्रेस मैसेज कर देना, ठीक है? थैंक यू। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो नहीं करनी चाहिए थी मुझसे शादी, क्योंकि अगर इतना ही चाहती है निखिल को तो उसी के साथ हनीमून पर जाना चाहिए था ना। मेरे साथ क्यों गई? मेरे बेटे को उंगली भी लगाएगा जिंदा काट दूंगा, समझे? हाँ शकुन, बस अब पानी सर से बहुत ऊपर निकल चुका है। बहुत दिनों से इनका नाटक देख रहा हूँ। पहले रमन ने आलिया की बेइज्जती की, फिर ईशू ने तुम्हारे साथ वो सब किया, और अब आदि ने आलिया पे हाथ उठा के सारी हदें पार कर दी हैं। ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं कि ये कुछ भी करेंगे और इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? नहीं, बहुत हो गया, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बहुत दिखा दी अपनी पेशेंस, लगता है संधियों के बीच जंग छिड़ गई। अच्छा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी पर मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। ये रमन भल्ला किस टाइप का आदमी है? आई मीन, किसी से भी बात करने की तमीज ही नहीं है उसमें, न जाने क्या समझता है आपने आपको। और ये मनी अपने आपको समझता क्या है? अगली बार मिला ना मुंह तोड़ दूंगा साले का। आज के बाद ना वो इस घर में आएगा ना उसकी बेटी। क्या बोल रहा है? और इस बार मत बोला कि माफी मांग के आओ। नहीं मांगूंगा माफी मैं। जितनी गलती आदि की है ना, आलिया की भी उतनी गलती है। आदि जा रहा था माफी मांगने, मनी ने क्या किया? सर आप मेरे बेटे पे हाथ उठाए, उसकी इज्जत उतारी, मेरी इज्जत की। मनी और उसकी बेटी का इस घर से रिश्ता खत्म, बस। बाप बेटी का तमाशा बना कर रख दिया। अक्का, आप रूही को समझाते क्यों नहीं हो? वो रोज गीजर ऑन छोड़कर चली जाती है, आज फिर ऑन छोड़ के चली गई है। अरे पीहू भी वॉशरूम जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई मजाक थोड़ी है। आज रूही को आने दो, मैं उसकी क्लास लूंगी और आप बीच में कुछ बोलोगे? बस करो, क्या प्रॉब्लम है? रूही को क्यों ब्लेम की जा रही हो? पता है उसके उसके सर पे कितनी टेंशन है? बार बार पीहू के स्कूल जाना होता है उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। मत चिल्लाओ इस तरह से, मैं समझा दूंगी उसे बाद में। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम इस पे क्यों गुस्सा उतार रही हो यार? पीहू की चिंता है उसे, दैट्स इट। इट्स ओके जीजू, आपका ज्यादा अच्छे से जानती है बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखना है। इट्स ओके, बिना वजह उस पे डांट दिया, उसकी क्या गलती है यार? नहीं की कोई गलती नहीं है। मेरा नेचुरल रिएक्शन था रमन, रिएक्शन था जैसे कि मणि का उस समय नेचुरल रिएक्शन था। हम अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव हो जाते हैं रमन, होता है ऐसा। मणि की क्या गलती है? उसने जो किया मैं समझ रही हूँ, पब्लिकली नहीं करना चाहिए था, लेकिन रमन आप बताओ क्या बीती होगी उस पे जब आलिया रोते हुए घर वापस आई अपने हनीमून से और उसे ये पता चला कि उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा है। क्या बीती होगी मणि पे? अगर आप होते, रूही के साथ किसी ने ऐसा किया होता तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होता? जानिए दादी की। फिर रमन ने जो भी आपके साथ किया वो ठीक नहीं किया। हाँ मुझे मालूम है आदि मेरा पार्टनर है, पर जो गलत है वो तो गलत है ना। रमन ने तो आदि को भी बहुत परेशान किया था, इवन सच कहूं तो उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मैं आपके साथ हूं। आप कभी भी अपने आप अकेला मत समझिएगा। आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे याद कीजिएगा। मैं उस रमन भल्ला को उसके औकात दिखाना चाहता हूँ। उसने मेरा और मेरी बेटी का मजाक बना के रखा हुआ है, बर्बाद कर देना चाहता हूँ उसे। रमन, ये फिलहाल वक्त रिश्ते तोड़ने का नहीं है, रिश्ते संभालने का है। मैं समझ लूँ कि मणि ने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, हम उसे समझाएंगे प्यार से, लेकिन रमन ये वक्त है कि हमारा आदि जाए जाके माफी मांगे आलिया से, ना कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। आपके मेरे बीच में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, रिश्ते ऐसे चलते हैं क्या, रिश्ते तोड़ के? रमन, हमें निभाना पड़ेगा, हमें आलिया को मनाना पड़ेगा, हमारे घर की बेटी है वो। जो भी हो रमन, हमें हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, हम रिश्ते तोड़ नहीं सकते। आई थिंक यू आर राइट, मैं मणि से बात करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। क्या आज क्षितिजा और पीहू को
किरण पिक करने जा रही है? क्या इशू? मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे मना कर नहीं पाया। शी इंसिस्टेड कि एटलीस्ट उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ताकि वो प्रूव कर सके कि वो भी अच्छी माँ बन सकती है। शुड आई टेल यू शी हैज एक्सेप्टेड दिस एज ए चैलेंज? जीजू, आप इतना गिल्टी सा क्यों साउंड कर रहे हो? आई एम सॉरी, आप मूव ऑन करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज रिलैक्स। मेरे सामने आप गिल्टी मत महसूस करो ऐसे। एक्चुअली इशू, व्हेन शी वाज अबाउट टू लीव तो उसे फैक्ट्री से फोन आया था, उसके पैकेजिंग यूनिट में कुछ क्राइसिस, वो अपने पैकेजिंग यूनिट का काम छोड़कर बच्चों को पिक करने के लिए गई है। इशू, मैं इसीलिए गिल्टी फील कर रहा हूं बिकॉज़ शी हैज टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। एक चीज है जो आप कर सकते हो। जीजू, वो दो कदम आगे बढ़ा रही है। तो आप भी दो कदम आगे बढ़ाओ। अगर वो आपकी हेल्प कर रही है, प्रूव करना चाहती है कि वो एक अच्छी माँ बन सकती है, तो आप भी उसका सपोर्ट करो। Are you sure? कैसे कर सकता हूँ मैं ये? आप उसकी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री जाने वाली थी ना, फैक्ट्री जो और जो भी काम वहाँ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पैकेजिंग चल रहा है, आप पिक्चर्स क्लिक करो, उसको भेजो अप्रूवल के लिए, ताकि वो काम से भले ही दूर है पर फिर भी काम से जुड़ी रहे। नाइस, इनफैक्ट ब्रिलियंट आइडिया। ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ठीक है, मैं यहाँ से पैकेजिंग यूनिट जाता हूँ। ओके जीजू, दिस इज नाइस, आई एम हैप्पी। किरण इनिशिएटिव ले रही है, ये बहुत अच्छी बात है। रूही को बताऊं? हेलो। हाँ रूही, कहाँ हो? अब इशमा, वो एक्चुअली मेरी म्यूजिक क्लास खत्म हो गई तो मैं पास वाली कॉफी शॉप में आ गई कॉफी पीने के लिए। अब बस अभी मैं थोड़ी देर में जा ही रही हूँ पीहू को वापस पिक करने स्कूल में। नहीं, मैं यही बताना चाह रही थी कि पीहू को तुम लेकर मत आना आज। किरण पीहू और क्षितिजा को घर लेकर आने वाली है। कौन? किरण भटनागर? किरण भटनागर आज वो पिक करेगी, वो बाला जीजू की हेल्प कर रही है, दैट्स व्हाई। अरे पर इशमा, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ ना अच्छे से। अच्छा सुनो, अभी रवन का फोन आने वाला है, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। रवन का कॉल आया क्यों नहीं अभी तक? आई होप मनी से सब कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया हो। ये मनी तो फोन नहीं उठा रहा, इसका कहीं सुलह करो, फोन उठा तो सुलह करूंगा, इसके घर पे कॉल करता हूँ। हेलो शगुन, मुझे मनी से बात करनी है। अगर उसने तुम्हारा कॉल आंसर नहीं किया तो क्लियर है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। एंड ऑनेस्टली मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। आई शगुन, आई नो तुम लोग सब नाराज हो, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। प्लीज एक बार मुझे मनी से बात करने दो, मैं आले को घर ले जाना चाहता हूँ। शगुन प्लीज। ओ वाओ, पहले अपने घर की बहू को इंसल्ट करो, उसके ऊपर हाथ उठाओ, फिर सॉरी बोल के उसे वापस घर ले जाओ। क्यों, किस लिए? उसे दोबारा इंसल्ट करने के लिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, आलिया का घर है, वो कहीं नहीं आ रही। एंड रमन, आई एम टेलिंग, यहाँ पर दोबारा कॉल मत करना और उसे मिलने की कोशिश भी मत करना। शगुन मेरी बात, शगुन यार, के शगुन मनी को फोन करता हूँ। आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। ये रमन बार बार फोन क्यों कर रहा है मुझे? मैं फोन नहीं उठा रहा, उसे समझ नहीं आती बात। What's your problem? हेलो मनी, बार बार फोन क्यों कर रहा है मुझे? मेरी बेटी के बारे में और भी बकवास करनी है क्या? देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इज़्ज़त ले। लुक मनी 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 मनी, आई नो, आई एम सॉरी, आई नो, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। सॉरी, ये क्या नया नाटक है? देखो इशिता ने मुझे समझाया एंड आई रियलाइज इट्स माय फॉल्ट, मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ, कुछ भी कर जाता हूँ, लेकिन मनी हमारे गुस्से की सजा हमारे बच्चों को तो नहीं मिलनी चाहिए ना, उनकी अभी भी शादी हुई है। देखो शादी में उठा चढ़ाव आते हैं, इट्स अबाउट जस्ट सॉर्टिंग मैटर्स आउट, प्लीज प्लीज मुझे तुमसे बात करनी, एक बार मुझसे बात करो प्लीज। ठीक है, मेरे भी मीटिंग है, तुम शाम को घर आ जाओ। नहीं तब तुम्हारे घर पे नहीं, घर पे शगुन होगी और शगुन से बात करने का फायदा नहीं, मैंने कोशिश की उससे बात नहीं करनी, हम कहीं बाहर मिल सकते हैं प्लीज। ठीक है, मैं दो घंटे में फ्री हो जाऊंगा, हम गैलेक्सी कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, थैंक्स। हाँ ठीक, एक बार मनी से बात कर लेता हूँ, फिर तक बताऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।